हम यह किसको कहेंगे, हमें हमको यह किसको कहना चाहिए। देखिए, whom should we tell this, 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 whom should we tell this। देखिए, whom चाहिए के लिए should, हमें के लिए we, कहने के लिए tell, यह के लिए this, whom should we tell this, who's किसको, तुम इस काम में किसको, किसकी मदद लोगे। देखिए, किसकी मदद, हुज हेल्प विल यू टेक इन दिस वर्क। देखिए, हुज हेल्प विल यू टेक इन दिस वर्क, 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 हुज हेल्प विल यू टेक इन दिस वर्क। देखिए, हुज हेल्प योग्य के लिए विल, तुम के लिए यू सब्जेक्ट, लेने के लिए टेक, इस मे के लिए इन, और इस काम के लिए दिस वर्क, हुज हेल्प विल यू टेक इन दिस वर्क। मयूर किसकी किताबें इस्तेमाल कर रहा था, हुज बुक्स वेर मयूर यूजिंग। देखिए, हुज बुक्स वॉज मयूर using, whose books was Mayur using, whose books was Mayur using, whose books was Mayur using। देखिए, किसकी किताब है, whose books, इस था के लिए was Mayur, इस्तेमाल करने का ing form using, whose books was Mayur using। कौन सा, कौन सी, which, तुम कौन सी किताब, तुमने कौन सी किताब ली है, WH वर्ड है कौन सी किताब, विच बुक, ली थी, हैड, यू बॉट, विच बुक्स, विच बुक हैड यू बॉट, 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 विच बुक हैड यू बॉट। देखिए, कौन सी किताब, विच बुक, थी के लिए हैड, तुमने के लिए यू, खरीदने के लिए बॉट, विच बुक हैड यू बॉट। इस पन्ने पर इसके निचले हिस्से में विच के और दो सेंटेंसेस हैं, उन्हें भी हम अंग्रेजी में बनाते हैं। देखिए, तुम कौन सा विषय सिखाते हो, कौन सा विषय, विच सब्जेक्ट सिखा रहे थे, विच सब्जेक्ट वेर यू सिखाने का आएंगे फॉर्म टीचिंग, विच सब्जेक्ट वेर यू टीचिंग, which subject were you teaching, 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 which subject were you teaching। देखिए, which subject, इस थे के लिए were, तुम के लिए you, सिखाने का ing form teaching, which subject were you teaching। तुम हर दिन कौन सा newspaper पढ़ते हो, which newspaper do you read every day, 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 which newspaper do you read every day। देखिए, which newspaper, simple present tense, do, subject you, read first form every day, which newspaper do you read every day। हमारी किताब ये स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश, ये 448 पन्नों वाली किताब है। इस पन्ने के हर, इस किताब के हर एक पन्ने को हम वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त अंग्रेजी बोलने में परिपूर्ण बनना चाहते हैं, उन्हें भी जानकारी दे कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वे भी हमारे वीडियोस देखते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।